कोरोना वायरस के कहर के बीच हर कोई देश की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। देश भर में लोग बढ़ चढ़कर पीएम केयर्स में देश के लिए दान दे रहे हैं, ताकि इन इकट्ठा हुए रुपयों से लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसा ही एक वाक्य झारखंड के देवघर जिले में देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 26 के रहने वाले 3 बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण बने हालातों में लोगों की मदद के लिए जमा की गई अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा हुए 1360 रुपए दान में दे दिए। मुश्किल दिनों में अपनी दरियादिली दिखा रहे इन बच्चों की हर कोई तारीफ कर रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने टीवी पर सीएम को मदद के लिए अपील करते देखा, जिससे प्रेरणा लेकर इन तीनों भाई बहनों ने ये निर्णय लिया। हम लोग जो है, हमारे पूरे 1 साल की जो जमा पूंजी है, हम लोग उसे दान करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग रोज टीवी पर देखते हैं कि COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया बहुत ही परेशान हो गई है, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी आपसे अपील कर रहे हैं, कृपया घर में रहें और सुरक्षित रहें, और हम लोग भी इस पैसे को दान करके पुण्य के भागी बनना चाहेंगे। कितने पैसे हैं इसमें? इसमें लगभग 1300 है, और हम लोग इनको पूरी तरह से दान करना चाहेंगे। बता दें कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है, जिसमें देश भर से लोग छोटी बड़ी राशि दान में दे रहे हैं। इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा संकट से निपटने में किया जाएगा। पीएम ने सभी लोगों से इस फंड में डोनेट करने की अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवघर से विजय कुमार की रिपोर्ट।